हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मिसल, जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस मिसल है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये रेसिपी, ये डिश ज़रूर ज़रूर मिलेगी। इतनी ये महाराष्ट्र में फेमस है, हर जगह पे बनाई जाती है। तो आज हम भी ये बनाने की विधि देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे मेन चीज जो है हमारी मिसल के लिए वो है स्प्राउट्स, यानी कि ये है मटकी, और इसे मैंने अंकुरित कर लिया है। अंकुरित हुए हुए ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आपको सहजता से ये मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये मैंने लिए हुए हैं 200 200 ग्राम। इसके अलावा हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, 1 बड़ी चम्मच मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार नमक, गरम मसाला। इसकी गरम मसाले की रेसिपी हमारे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये है कुछ खारी बूंदी, इसे कहते हैं, ये फरसान आइटम है, नमकीन आइटम। ये खारी बूंदी, ये अगर अवेलेबल हो रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा फरसान, फरसान हमने लिया हुआ है। यहाँ पर है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, मैंने एक छोटा प्याज लिया हुआ है। यहाँ पर है हमारे पास लेमन, और पीसने के लिए जो मसाले हमें लगने वाले हैं उन मसालों में हमारे पास है 1 बड़े साइज का ऑनियन, 1 बड़ा टोमेटो, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कूट लिया है ताकि पीसने में आसानी हो। उसके अलावा हमारे पास है हरा धनिया, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी होगा तो भी चल जाएगा। पहले हम इस मसाले को अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेते हैं। इसके इन सारी चीज़ों के अलावा हमें चाहिए होगा ऑब्वियसली ऑयल कुकिंग के लिए, जो कि मैंने पहले से ही कुकर में डाल के रखा है। कुकर में हम ये मिसल बनाने वाले हैं जो कि एकदम फास्ट बनने वाली है। ये हमने सारे मसाले अच्छी तरह से पीस लिए, फाइन पेस्ट हो चुकी है। अब हम इसे डालेंगे ऑयल में। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया हुआ है। अब हम जैसे ही ऑयल गर्म होता है अब हम इसमें डालेंगे ये सारा मसाला। मसाला डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसी तरह ऑयल में भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाला ऑयल में भून चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है पूरी तरह से, ऑयल भी जो है ऊपर आ चुका है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और गरम मसाला, और इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे इन सारी चीजों को। सारी चीजें ऑयल में मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्प्राउट और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही पतली होती है, तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। जितने लोग आपके पास है खाने के लिए उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। हमने लगभग 1.5 लीटर तक इसमें पानी मिलाया है। अब इसे एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। ग्रेवी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। इस वक्त आप ढक्कन लगाकर फ्लेम को मीडियम रखकर भी इसे पकाएंगे तब भी 10 मिनट में ये पक ही जाएगा, पर हमें बहुत जल्दी इसे बनाना है इसीलिए हम इस पर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जैसे ही इसमें 1 सीटी लग जाएगी हम तुरंत गैस को ऑफ करेंगे और इसमें से थोड़ा सा जो है इसमें भरी हुई जो भाप है थोड़ी सी हम उसे भी निकाल देंगे। सीटी जब नीचे बैठ चुकी है, बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ये इसमें की भाप जो है पूरी रिलीज हो चुकी है। अब ढक्कन को हम हटा लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रेड कलर इसमें आया हुआ है, ऊपर बहुत अच्छी तरह से तरी भी आई हुई है। हमने इसे इतना पतला इसलिए रखा है कि जब हम इसे सर्व करेंगे तो
इसे पाव के साथ सर्व किया जाता है और इसमें हम फरसान बूंदी ये सारी चीजें जब मिला देते हैं तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और पाव बहुत सारा इसमें का जो रस है वो अपने अंदर ले लेगा। इसलिए हमने इसकी ग्रेवी जो है पतली रखी हुई है, हर जगह ऐसी ही होती है। तो अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमारी बढ़िया से मिसल बनकर रेडी है। बस इसे पाव के साथ हम सर्व करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह से ये सारी चीजें इसमें डालकर लेमन का जूस थोड़ा सा इसमें डालें और पाव के साथ गर्मा गर्म इसे खाए बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर और अपने चाहने वालों में इसे शेयर भी कीजिएगा। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं और एक ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।